हेलो एवरीवन तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है लेट दी सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज एस ठीक है तुम्हारे तो पास एक ट्रायंगल है और जिसका सरकम सेंटर हमें दिया हुआ सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया कि हम अगर उस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा है ना तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट एस है जिसका कॉर्डिनेट माइनस वन है ठीक है यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर यही पॉइंट है ठीक है और यहाँ से जब ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल इस तरीके से बन रहा होगा जो तीनों पॉइंट से पास करेगा तो यही इसका सेंटर यहाँ पे ऐस है ठीक है बोल रहा है एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ठीक है इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए बी और सी दे देते हैं ठीक है बोल रहा है ए बी और ए सी का मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट कितना है ये ई e है और ई e पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है वन कोमा माइनस टू ठीक है तो ये टू हो गया और वैसे ही ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा ए सी का मिड पॉइंट एफ है जिसका कोऑर्डिनेट है है तो है ठीक तो हमसे पूछा इक्वेशन ऑफ दिस सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल यानी इसका हमें इक्वेशन निकालना है देखो है ना तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सेंटर और रेडियस ठीक है यहाँ पे देखो सेंटर तो हमें ऑलरेडी पता है माइनस वन कॉमा जीरो तो इक्वेशन जो हमें लिखना होगा वो यही होगा और इक्वल टू आर स्क्वायर होगा बस हमें आर नहीं पता है, हम नहीं लिख है।, है? तो सारे ऑप्शन देखो इसी फॉर्मेट का है R different, different है सब में डिफरेंट डिफरेंट ठीक है? तो अब रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करनी होगी तो देखो यहां पे रेडियस कौन सा होगा किसी भी एक से अगर आप सेंटर का डिस्टेंस निकाल लेते हो तो वो आपका रेडियस मिल जाएगा ठीक है तो यहां पे देखो कौन सा निकालना है जीए? अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का क्यों होगा ऐसा क्योंकि आपको समझ में आ रहा तो है और सेम से ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल 90 डिग्री का है ठीक है ये एस पॉइंट हमें पता है ठीक है ये वाला पॉइंट हमें पता है और आपके पास ये ई e पॉइंट पता है ठीक है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं तो इस लाइन का स्लोप देखो कितना हो जाएगा यहां से M की वैल्यू आप बोल सकते हो माइनस टू डिवाइडेड बाई टू तो यहां से इसका स्लोप कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा है कि नहीं इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा ठीक है और टू है ना तो यहां से जब स्लोप निकालोगे तो ये वाला स्लोप हमारा कितना आ गया माइनस वन आ गया और अगर ये स्लोप मेरा माइनस वन है तो ठीक है ये वाला स्लोप अगर मेरा माइनस वन है और ये नाइन्टी डिग्री एंगल है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा इसका स्लोप हम बोल सकते हैं वन हो जाएगा है कि नहीं इसका स्लोप कितना हो जाएगा इसका स्लोप मेरे पास वन हो जाएगा क्लियर है अब देखो है ना अब देखो हमारे पास एक चीज हमें ये भी दे रखा है सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा इस लाइन का स्लोप और इस लाइन ए बी इक्वेशन का लाइन निकाल सकते हैं कि नहीं तो ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा ए बी का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना होगा हमें पॉइंट पता है स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन एम की वैल्यू वन है ठीक ना तो यहां से क्या आ गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री हमारे पास एक इक्वेशन एक आ गए ठीक है वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए बी का इक्वेशन ठीक है वैसे ही इस तरफ में देखोगे तो यहां पे स्लोप कितना होगा यहां पे स्लोप आपका हो जाएगा है ना यहां से स्लोप देखो y2 टू माइनस वाई करोगे तो ये माइनस वन बाई माइनस टू प्लस वन ठीक है तो यहां से देखोगे तो इसका स्लोप आपको वन मिल जाएगा और इसका स्लोप अगर वन है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा इसका स्लोप माइनस वन हो जाएगा तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू ठीक है और वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू एंड वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस का थ्री ठीक है तो ये हमारे किसका इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ ए सी आ गया अब इक्वेशन ऑफ ए सी और इक्वेशन ऑफ ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा इस पॉइंट का लोकेशन दे देगा ठीक है तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा ये माइनस एक्स माइनस थ्री ठीक है तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये इस तरफ आके क्या दे देगा यानी x की वैल्यू यहां से जीरो आ जाएगी ठीक है और x की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी है कि नहीं तो हमारे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना जाएगा जीरो कॉमा माइनस थ्री है ना तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया जीरो माइनस थ्री और वर्टेक्स से सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो यही हमें क्या दे देगा रेडियस दे देगा यहां से आर की वैल्यू आप क्या बोल पाओगे स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ठीक है और ये कितना दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन ठीक है हमारे पास इक्वेशन फाइनली क्या जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका बी ऑप्शन आप यहां पे मार्क कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास लेट पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज नॉट तो वेल पे देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी डबल इंप्लीकेशन ऑफ पी इंप्लाइज Q. यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली आपको करना कुछ नहीं है क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है P एंड Q तो हम इसका ट्रूथ टेबल तो बना ही सकते हैं ठीक है तो देखो मैं यहाँ पे इजी सा एक टेबल बना दे रहा हूं और दो तीन ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं आपको ठीक है सारा ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इजिली देख पाओगे ठीक है क्योंकि चार केसेस है तो यहाँ पे पी और क्यू के लिए इस टाइप से चार पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो ठीक है पहला क्या होगा पॉसिबिलिटी पहला हो जाएगा जब दोनों ट्रू ट्रू हो जाए और ट्रू फॉल्स हो जाए है ना तीसरा फॉल्स ट्रू हो जाए और चौथा दोनों फॉल्स हो जाए ठीक है अब देखो यहां पे दो ऑप्शन में ले रहा हूं एक पी इंप्लाइज क्यू ले लेता हूं ठीक है क्योंकि देखो यहां पे पी इंप्लाइज क्यू इस तरफ भी है पी इंप्लाइज क्यूज क्यू यहां पे भी है क्यू इंप्लाइज पी यहां पे भी है ठीक है तो P इंप्लाइज Q ले लेता हूं Q इंप्लाइज P ले लेता हूं और ये दोनों जब हो जाएगा तो हम P डबल इंप्लीकेशन Q ले सकते हैं ठीक है यहां पे देखो P एम्प्लाइज Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगा ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू Q एम्प्लाइज P में देखोगे तो ट्रू ट्रू के लिए ट्रू फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स ट्रू यहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू है और पहला फॉल्स है तो ये क्या दे देगा ये आपको ट्रू दे देगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फॉल्स मिल जाएगा है ना तो Q इम्प्लाइज P के लिए और डबल इम्प्लीकेशन में क्या हो जाएगा दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा तब हमें ट्रू मिलेगा बाकी सबके लिए हमें फॉल्स मिलेगा ठीक है अब देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया अब यहाँ पे देखो मैं अगर ये स्टेटमेंट प्लॉट करता हूं इस स्टेटमेंट की बात करते हैं P इम्प्लायज P इम्प्लाइज Q ठीक है तो P इम्प्लाइज ये वाला और ये वाला ऑप्शन देखना है हमें ठीक है इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है? है ये तो P के साथ इसका देखना है तो ट्रू ट्रू के लिए मुझे है ना डबल इंप्लीकेशन है तो दोनों ट्रू होगा तब ये ट्रू होगा और जहां पे दोनों फॉल्स होगा तब ये ट्रू होगा ठीक है बाकी सबके लिए ये क्या आएगा फॉल्स ही आएगा ठीक है तो सॉरी तो यहाँ पे देखो इस वाले में ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू है ना तो बाकी सब में ये क्या देगा हमें फॉल्स देगा है कि नहीं तो ये क्वेश्चन वाले पार्ट का जो आंसर का ट्रूथ वैल्यू है वो ये ट्रूथ वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए ठीक है अब ये ट्रूथ वैल्यू अब बाकी सब में चेक करो है ना तो बाकी सब में चेक करोगे जैसे पहला ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ पी एंड क्यू चेक करोगे ठीक है तो पी एंड क्यू चेक करोगे तो क्या आएगा देखो ट्रू फॉल्स 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 है ना तो देखो ये दोनों ऑप्शन क्या आ रहा है सेम आ रहा है इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके इक्वेल हमसे पूछा है नॉट इक्वेबल ठीक है तो ये तो इसके इक्विवेलेंट हो गया सिमिलरली यहां पे देखोगे P इंप्लाइज ठीक है यहां पे Q मिसिंग है यहां पे देखो एक Q मिसिंग हो रहा है तो ये एक्चुअली में P डबल इंप्लीकेशन Q है यहां पे एंड P और Q है ठीक है तो P डबल इंप्लीकेशन Q हमारा ये वाला है और P और Q कहां पे ट्रू होगा आपको दिख रहा है है ना तो इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे पे पे है ना तो यहां पे देखो ये ये वाला पार्ट भी भी आपका क्या दे देगा? फाल्स, फाल्स, फाल्स दे देगा देगा ट्रू फॉल्स 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 ठीक है और सिमिलरली C को भी चेक करोगे तो C ऑप्शन भी आपका क्या आएगा सही आएगा ठीक है तो ये तीनों ऑप्शन एक्चुअली में सही है लेकिन हमें मार्क मार्क कौन से करने हैं हमें नॉट इक्विवेलेंट वाला मार्क करना ठीक है तो तीनों ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली गलत होगा ठीक है तो इसलिए हमने क्या किया उसको उसको मार्क कर दिया क्योंकि वही हमें ऑप्शन मार्क करना था जो इक्विवेलेंट नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल बना के पास एफ एन डिफाइन किया गया Fn है एफ एन एक फंक्शन है एन के टर्म्स में जहां पे ये क्या है साइन वन है और इसके साथ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है एफ तो एन का मतलब क्या हो गया कि साइन के साथ हर एक टर्म एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो ये साइन एन दे देगा ठीक है हमसे पूछा है एक सेट ए है और इस सेट ए में हमारे पास ये एलिमेंट इसने ले रखा है एफ ओफ वन ठीक है एफ ओफ वन ले रखा है एफ ओफ टू ले रखा है और यहां से लेके एफ ओफ सिक्स तक ले रखा है ठीक ना और इसके लिए हमें पूछा है कि इसमें से कितने नंबर होंगे इस सेट में से जो कि पॉजिटिव होगा ठीक है तो देखो सबसे पहले हम एफ ऑफ वन जब लेंगे तो एफ ऑफ वन के लिए हमें क्या मिलेगा साइन वन मिलेगा ठीक है तो हमारे पास ये छह वैल्यूज आएंगी ठीक है ये एफ ऑफ की वैल्यू नहीं है ये मैं इंडिविजुअली साइन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं कि इसका साइन क्या होगा ठीक है तो वन साइन वन लिखा हुआ है साइन वन मतलब क्या हो गया साइन वन मतलब हो गया वन रेडियन है और रेडियन किसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी सेवन के इक्वल है ना तो सिक्सटी से कम ही होता है ठीक है तो ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका साइन क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा ये वाले का साइन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा और साइन थ्री सिक्सटी से कम ही है, है ना सॉरी साइन वन रेडियन जो है वो सिक्सटी से कम है तो थ्री रेडियन क्या होगा वन एट्टी से कम होगा तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि ये सब फर्स्ट और सेकेंड क्वार में है ठीक है ना वैसे ही साइन फोर साइन फाइव और साइन सिक्स ये तीनों क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा ठीक है अब देखो मैं एफ ऑफ वन कैलकुलेट कर रहा हूं एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन वन और एफ ऑफ वन क्या दे देगा मुझे पॉजिटिव देगा क्योंकि साइन वन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है एफ ऑफ टू जब लिखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा साइन वन इंटू साइन टू ठीक है और देखो साइन वन साइन टू दोनों पॉजिटिव है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा ठीक है तो ये भी क्या है पॉजिटिव है एफ ओफ थ्री जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा साइन वन इंटू साइन टू इंटू साइन थ्री है ना और देखो तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा मुझे पॉजिटिव ही आएगा एफ ओफ फोर की अगर हम बात करते हैं है ना तो साइन वन से लेके मेरे पास साइन फोर तक का मल्टीप्लिकेशन आएगा ठीक है साइन वन से लेके साइन थ्री तक तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा और साइन फोर हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट भी हमारा नेगेटिव में ही आ जाएगा ठीक है और अगर मैं एफ ओ फाइव की बात करूं तो साइन वन से लेके साइव तक का मल्टीप्लीकेशन है है ना यहाँ से वन से लेके थ्री तक तो पॉजिटिव है और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देगा दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव मिलके फिर से हमें पॉजिटिव दे देगा ठीक है ना तो F 5 की वैल्यू क्या जाएगी? आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी ठीक है और वैसे ही एफ ओ सिक्स कैलकुलेट करोगे तो साइन वन से लेके तक तक का टर्म आएगा ठीक है है तो 1 से लेके पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और सिक्स फिर से नेगेटिव हो जाएगा तो ओवरऑल हमारे पास टर्म क्या जाएगी? आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी ठीक है तो देखो हमने एफ वन से लेके एफ सिक्स तक सारा हमने कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है हमसे इसने पूछा है कि इसमें से कितने टर्म पॉजिटिव होंगे है ना तो कितने टर्म पॉजिटिव वन टू थ्री एंड फोर टोटल चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें पॉजिटिव में आंसर देगा है ना तो यहां पे आप ऑप्शन बी मार्क कर सकते हो क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक एबीसी बोला है बिलोंग टू दिस एंड ठीक है ये कैपिटल डी है ठीक है यहाँ पे एंड है एंड और ये कैपिटल डी है कैपिटल डी की वैल्यू ये दे रखा है तो पूछा है कि इसकी डी की लीस्ट वैल्यू क्या होगी ठीक है तो डी एक्चुअली में क्या है ए बी सी का डिटर्मिनेंट है तो ए बी सी सी ए बी सी ए ये वाला टर्म है इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा तो कैसे ओपन करेंगे है ना तो मैं कौन सा ऑपरेशन ट्राई कर रहा हूँ ऑपरेशन आर वन में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करोगे तो क्या होगा पहले वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा है ना देखो मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ तो ये जो डी आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा पहले वाले में कॉलम को मैं तीनों ऐड करके लिख रहा हूँ तो सब में देखो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का टर्म आ जाएगा है ना और पहले वाले रो से आप ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हो तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये वाला टर्म है ना और अब देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है अभी चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आर थ्री को या कॉलम में ऑपरेशन लगा लो कॉलम थ्री को मैं लिख रहा हूं कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू ठीक है तो कॉलम थ्री में से कॉलम टू को माइनस करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस और यहाँ पे ए माइनस सी आ जाएगा ठीक है एक और ऑपरेशन लगा दो C2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ C2 टू माइनस सी तो ये वाला टर्म भी जीरो आ जाएगा यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा और अब 1 के अबाउट इसको ओपन कर दोगे तो जो D है हमारा D की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी D की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है ये वाला टर्म आप इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर दो रो वन के अबाउट तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी ठीक है इस वाले में देखो अगर मैं पूरे टर्म को टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ठीक है तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ये चीज आपने पहले भी देखी होगी ठीक है तो ये आपका क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू और ये नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ठीक है तो ये फाइनली हमारे पास डी की वैल्यू ये निकल के आएगी हमसे क्या पूछा है लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको समझ में आ रही होगी कि इसको अगर आप तीनों को अगर आप इक्वल कर दोगे तो डी की वैल्यू मुझे जीरो मिल जाएगी जो कि लिस्ट वैल्यू पॉसिबल है लेकिन हमसे इसने क्या बोला है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो जीरो तो हमारा पॉजिटिव नहीं होता है है ना यानी हम तीनों को इक्वेट नहीं कर सकते और इक्वल नहीं डाल सकते हैं ठीक है लेकिन हमें फिर भी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से ए बी सी हमारे पास तीन टर्म है इसमें से दो टर्म जो होगा है ना टू टर्म जो होगा टू टर्म को हम इक्वल टू वन कर देंगे है ना और वन टर्म को इक्वल टू टू कर देंगे ठीक है कि नहीं यानी ए और बी को मान लो आप दोनों वन के इक्वल है और सी को आप टू के इक्वल मान लो या किसी भी दो को आप वन के इक्वल और एक को टू के इक्वल मान लो ठीक है तो जब यहां पे ये वैल्यू पुट करोगे तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा तो इसमें से कोई दो वन के इक्वल है और एक टू है तो ये टू प्लस टू फोर दे देगा तो फोर बाय टू टू आ गया है ना और अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तो अंदर में दो टर्म तो सेम वन है तो कोई एक टर्म ये जीरो दे, दे देगा और बाकी ये दोनों टर्म वन वन दे देगा है कि नहीं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से फिर से टू आ जाएगी तो डी मिनिमम कितना पॉसिबल है डी मिनिमम आपका फोर पॉसिबल है ठीक है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आप यहां पे मार्क कर सकते हो ठीक है ए ऑप्शन आप यहां कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x प्लस साइन एक्स ठीक है और ये बोल रहा है कि ऑन टू होना चाहिए ठीक है और फंक्शन हमारा डिफाइन कहां पे है फंक्शन हमारा आर टू आर में डिफाइन है ठीक है तो इस फंक्शन को ऑन टू होने के लिए है ना इस फंक्शन को ऑन टू होने के लिए ऑन टू होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा जो रेंज है किसका एफ का जो रेंज है रेंज ऑफ रेंज ऑफ एफ जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए आर के इक्वल होना चाहिए आर कौन सा है ये वाला सेट है ना तो ये को डोमेन के इक्वल होना चाहिए और रेंज ऑफ एफ जो है वो आर के इक्वल कब पॉसिबल है जब जब यहां पे देखो साइन का तो रेंज हमें पता है कि माइनस वन से वन के बीच में होता है लेकिन ये वाला टर्म हमें पूरा रियल नंबर देना चाहिए है ना और ये पूरा रियल नंबर तब पॉसिबल है जब लेमडा की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी है कि नहीं तो अगर लेमडा की वैल्यू जीरो है जीरो हो जाएगी तो एफ की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो जाएगी तब तो उस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा इन टू हो जाएगा ठीक है तो ऑन टू बनाने के लिए लेमडा की वैल्यू जीरो नहीं होगी और लेमडा हमारा कौन सा सेट किस सेट को बिलोंग करेगा पी सेट को है ना तो यहाँ पे आप पी सेट क्या लिख सकते हो लेमडा बिलोंग टू पी है और पी को हम क्या लिख पाएंगे आर माइनस जीरो ठीक है तो ये हमारा पी सेट आ गया क्लियर है गया ये हमारा क्या आ गया पी सेट आ गया किसके लिए जब हमारा फंक्शन ऑन टू हो है ना तो यहाँ पे इस वाले आर से कंफ्यूज नहीं होना है है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर माइनस जीरो हो गया को डोमेन के इक्वल होने चाहिए ये जो है ये जो पी हमने सेट बनाया ये सेट कौन सा है ये सेट लेमडा के लिए ठीक है हम लेमडा पे कंडीशन लगा रहे हैं ठीक है और ये वाला कंडीशन किसके लिए था ये वाला कंडीशन फंक्शन के लिए था एफ के लिए तो ये लेमडा हमारे पास यहाँ पे आ गई दूसरी कंडीशन हमारे पास वन वन के लिए है ठीक है तो वन वन होने के लिए लेमडा किसको बिलोंग करेगा तो एफ हमारा है लेमडा एक्स प्लस साइन एक्स ठीक है तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी

के रेंज से ज्यादा होना चाहिए है ना तो यहां से और उसके बाहर का वाला पार्ट मुझे लेमडा चाहिए तभी ये वन वन हो पाएगा ठीक है तो यहां पे देखो q की वैल्यू किसकी इक्वल होगी q सेट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस और इसको हम क्या बोल सकते हैं r माइनस माइनस वन टू वन ठीक ना ये वाला पार्ट है अब देख सकते हो यहाँ से आप इजली कि कौन किसका सबसेट है पी और आर सेट तो आपस में इक्वल नहीं है ये दिख रहा है और इस वाले पार्ट में आप देख पाओगे कि पी सेट क्या है आर सेट से बड़ा है है ना तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं क्यू इज सबसेट ऑफ P ठीक है तो ये हमने लेमडा के लिए दो डिफरेंट कंडीशन निकाली थी है ना ये लेमडा का ही दो अलग अलग सेट है टू और वन वन के लिए पी एंड आर पी एंड क्यू और उसमें आप देख सकते हो कि पी सेट जो होगा वो क्यू सेट जो होगा वो पी का सबसेट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास दो सर्कल के बारे में बात कर रहा है कंसिडर सर्कल सी वन एंड सी टू विच टच इज बोथ दी एक्सिस ठीक है अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है

माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है कि नहीं और इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करोगे तो तो क्या ये दोनों टर्म सेम है प्लस स्क्वायर माइनस एट आर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस सिक्सटीन आर प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो आर में देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है दो रूट होंगे ठीक है आर वन और आर टू जो कि सी वन और सी सेंटर सर्कल का रेडियस होगा हमसे इसने क्या पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑफ देयर सर्कल ठीक है यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो आर वन इंटू आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्टी टू है ना क्योंकि आर में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे यहाँ पे इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा थर्टी टू आप इजिली फिल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक पी जेड है इफ पी जेड इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन प्लेन सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस वन बाई जेड इक्वल टू वन बाई फोर ठीक है देन दी वैल्यू ऑफ लोकस ऑफ पी जेड की बात कर रहा है ठीक है तो अगर आप जेड को एज्यूम कर लो एक्स प्लस आई वाई है ना एक्स प्लस आई वाई तो माइनस वन बाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी माइनस वन बाई जेड हो जाएगी है ना जेड से इसको हम लिख सकते हैं माइनस जेड बार बाई मॉड जेड स्क्वायर है, है ना और माइनस जेड बार कितना हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस दे देगा है ना तो ये प्लस का प्लस का आई वाई डिवाइडेड बाई मॉट जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब यहां से अगर मैं इसका पार्ट इस कितनी हो जाएगी वाई बाई एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू किसके इक्वल है? है ठीक है तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई टू जीरो जरूर और ये सर्कल का इक्वेशन है सेंटर इसका कितना होगा सेंटर इसका हो जाएगा जीरो तो हमसे यही इसने पूछा था कि पेरीमीटर चाहिए हमें ना तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए तो रेडियस हमें पता चल गया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा पैरीमीटर क्या होता है सर्कल का टू पाई आर है ना तो आर की वैल्यू टू है तो ये कितना हो जाएगा फोर पाई है कि नहीं और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं थ्री पॉइंट वन फोर ले सकते हैं ठीक है तो यहां पे वैल्यू क्योंकि हमें पाई के टर्म में आंसर नहीं करना है तो ये कितना अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स ठीक है तो यहाँ पे आप क्या फिल कर पाओगे ये पेरीमीटर ऑफ लोकस कितना हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज वन बाई फोर ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टेस्ट विनिंग टेस्ट मतलब मान लेता हूं है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा वन बाई फोर है ना और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर है ना तो जीतने की प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर है तो हारने की प्रोबेबिलिटी थ्री बाई फोर हो जाएगी अब बोल रहा है एज्यूमिंग मैच टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सेवन मैच सीरीज ठीक है वो कितने मैच खेल रहा है सेवन मैच खेल रहा है ठीक है तो सेवन मैच के लिए मैं सेवन प्लेसेस बना दे रहा ठीक है और ये बोल रहा है कि इंडिया का जो सेकेंड विन है वो फोर्थ टेस्ट में आना चाहिए ठीक है तो ये फर्स्ट टेस्ट है सेकेंड टेस्ट थर्ड और ये फोर्थ टेस्ट है ठीक है यहाँ पे इंडिया सेकेंड टाइम्स विन करना चाहिए है ना तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकेंड टाइम्स विन करने का मतलब क्या हो गया कि पहले के थ्री टाइम्स में से किसी एक में इंडिया ने क्या किया होगा किसी एक में इंडिया ने विन किया होगा तो दो बार उसे लॉस हुआ होगा है कि नहीं अब तीन में से कौन से वाले पार्ट में उसने विन किया होगा और किस में लॉस किया होगा वो हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे तीन में से कोई एक भी चूज कर लेंगे ठीक है तो ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा है ना तो डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी कितनी लिख सकते हैं पी की वैल्यू है ना यही बोला कि पॉलिटी उसकी पी है तो पी की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे बाइनोमियल से तीन में से आप कोई सा भी एक टेस्ट चूज कर लो जहां पे उसने इंडिया ने जीता हो ठीक है तो ये वन हमने चूज कर लिया जीतने का और जीतने की प्वाली कितनी है वन बाई फोर ठीक है बाकी दो में क्या हो गया होगा वो इंडिया ने हारा होगा ठीक है तो थ्री बाई फोर इंटू थ्री बाई फोर दो केस के लिए उसने हार लिया है ना तो यहां से इस वाले से हमें किसकी प्वालिटी मिल गई कि उसने पहले के तीन मैच में से किसी एक में उसने जीता है और बाकी दो में हारा है और फोर्थ टेस्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए फिर से विन होना चाहिए क्योंकि विन हमारा फोर्थ फोर्थ टेस्ट टेस्ट में ही आने वाला है तो फोर्थ टेस्ट को जीतने की कितनी हो जाएगी वन बाई फोर है ना बस हमें इसको सॉल्व करना है थ्री सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री सी वन हमारा थ्री दे, दे देगा और ये वाली वैल्यू नाइन तो ये हो गया ट्वेंटी सेवन और नीचे कितनी हो जाएगी 4 टू द पावर 4 है ना तो ये 256 के इक्वल हो जाएगी है ना तो ये p की वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल हो गई 27 बाय 256 और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 256 p की वैल्यू है ना तो इसको 256 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे आप इस ब्लैंक स्पेस पे क्या फिल कर पाओगे 27 आप इजीली फिल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास क्या है मॉड ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस कॉशक एक्स कॉश एक्स को मैं वन बाय साइन एक्स लिख दे रहा हूं ठीक है ये इक्वेशन है और ये बोल रहा है हमें कहां से कहां तक निकालनी है जब हमारा एक्स जीरो से टेन पाई को बिलोंग करे ठीक है तो इस इंटरवल में निकालना है अब देखो यहां पे कॉट के साथ मॉड लगा हुआ है ठीक है यानी हमें मॉड को कॉट को क्या लेना है पॉजिटिव लेना है अब कॉट चार क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो चार क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड में ठीक है तो इस मॉड की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्वारू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये मॉड किस तरीके से काम करेगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही ओपन होगा है ना क्योंकि इस क्वाड्रेंट में इसमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहां से देखो कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ट एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स ठीक है और यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो वन बाई साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय साइन एक्स की वैल्यू जीरो की इक्वल आ गई और वन बाय साइन एक्सर भी जीरो हो सकता है नहीं हो सकता है तो यहां से हमें क्या मिलेगा नो no सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है तो इस वाले पार्ट से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बाकी दो पार्ट में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है ठीक है तो किस किस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है सॉरी नेगेटिव होता है तो ये मॉट किस तरीके से ओपन होगा माइनस साइन के साथ तो ये माइनस कॉट इक्वल टू क्या दे देगा कॉट ठीक है साइन कॉस में इसको चेंज कर लो इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स कॉट एक्स है ना और टू कॉट एक्स को हम क्या लिख पाएंगे टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस वन बाई है ना कंबाइन करके आप ये चीज लिख सकते हो और ये वैल्यू किस हो जाएगी इक्वल टू जीरो वैसे भी पॉसिबल नहीं है है ना तो यहां से हम कॉस एक्स की वैल्यू क्या बोल सकते हैं कॉश एक्स इक्वल टू माइनस हाफ बोल सकते हैं ठीक है लेकिन ये सॉल्यूशन हमें कहा मिलना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ठीक है कॉश एक्स की वैल्यू माइनस हाफ किस क्वाड्रेंट में होती है है ना

लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहां लाई करना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है और ये एक ही सॉल्यूशन पे पॉसिबल है जीरो टू टू पाई इंटरवल में ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं इन जीरो हम क्या बोल सकते हैं इन जीरो टू टू पाई इंटरवल हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास वन आ गया ठीक है तो इसी तरीके से अगर मुझे जीरो टू टेन पाई खोजना है 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास फाइव आ जाएगा ठीक है तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने हो जाएंगे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप यहां पे फाइव फिल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक कंडीशन दे रखी है कि बी की वैल्यू तीस से कम है ठीक है तो अगर मैं इस function, इसको एक फंक्शन एज्यूम कर लूं इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को ठीक है तो एक्चुअली में हमें निकालना क्या है एफ एक्स की वैल्यू कहां पे जीरो हो रही है है ना उसी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन बोल रहा है और क्वेश्चन बोला है कि अल्फा इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है है ना तो इसका ओनली सॉल्यूशन क्या है ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू एल्फा ठीक है तो अब देखो यहाँ पे b और c अलग अलग कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जो जो इजी वैल्यू है हम पहले वो कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं है ना तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखो आपके पास वन आ जाएगी ठीक है एफ ऑफ वन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो वन प्लस वन टू तो ये टू प्लस बी प्लस सी आ जाएगा है कि नहीं एफ ऑफ माइनस वन क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन भी हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी माइनस वन में ये लास्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी माइनस सी दे देगा ठीक है तो यहाँ पे देखो आपको एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट दिख रहा है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है क्योंकि सी की वैल्यू बी से ज्यादा है है ना तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम से आप ये चीज बोल सकते हो मीन वैल्यू थ्योरम आपने देखा होगा मीन वैल्यू थ्योरम से आप ये चीज देख सकते हो कि इस इक्वेशन के है ना बाय मीन वैल्यू थ्योरम यहां से आप बोल सकते हो एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज वन सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन कहां पे लाई करेगा इन माइनस वन टू जीरो इंटरवल है कि नहीं कौन से इंटरवल में लाई करेगा माइनस वन से जीरो में हमारे पास एक सॉल्यूशन तो जरूर लाई करेगा है कि नहीं यानी जो अल्फा होगा वो अल्फा कहाँ पे लाई करेगा अल्फा हमारा इसी इंटरवल में लाई करने वाला है अल्फा बिलोंग टू माइनस जीरो टू वन होने वाला है क्योंकि इस इक्वेशन इस की एक ही सॉल्यूशन है और एक सोल्यूशन है तो अगर किसी दो इंटरवल में दो पॉइंट पे मुझे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बीच में एक्स एक्सिस को कट जरूर कर रहा होगा है ना तो एल्फा का इंटरवल हमें पता चल गया और हमसे पूछा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल्फा ठीक है तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन की इक्वल हो जाएगी और हमसे पूछा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका आप अगर आप मॉड ले लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा का मॉड ले लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास वन आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप कितना फिल कर पाओगे इसकी वैल्यू इक्वल इक्वल हो हो जाएगी के हो जाएगी के ठीक है तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली exactly सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन फिर भी हम एल्फा के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी तक यही रखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस करते रहो और कोई डाउट आता है तो वो आप पूछते रहना ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ओके चलो बाय